जय श्री हरि। सरतिला एकादशी व्रत कथा। सरतिला एकादशी व्रत कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि की अपार कृपा प्राप्त होती है। 2021 में 7 फरवरी को पड़ रही है सरतिला एकादशी। हिंदू सनातन धर्म में माघ का मास अति पवित्र और पावन माना जाता है। इस माह में व्रत और तप का बड़ा महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सरतिला एकादशी कहते हैं। सरतिला एकादशी को मनुष्य को भगवान श्री हरि के लिए व्रत करना चाहिए। सरतिला एकादशी रविवार 7 फरवरी 2021 में है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6:26 से और फरवरी 7 तारीख तक ये रहेगी। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान श्री हरि की बड़ी भक्त थी और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करती थी। एक बार की बात है कि उस ब्राह्मणी ने पूरे एक माह तक व्रत रखकर भगवान श्री हरि की उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर शुद्ध पावन हो गया, लेकिन वो कभी दान नहीं करती थी अन्न का। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मणी के पास जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे, जब विष्णु भगवान ने भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब ब्राह्मणी देह त्याग कर मेरे लोक में आई तो उसे यहाँ एक खाली कुटिया और आम का पेड़ प्राप्त हुआ। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी ने भगवान से प्रश्न किया, मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर ये हमें खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान ने कहा कि तुमने कभी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब अपना द्वार खोलना। जब वो आपको खरतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं तो पूरे विधि विधान से व्रत करना। और ऐसा ही हुआ। फिर उसका घर, उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई और उसे भोजन भी प्राप्त हुआ। खरतिला एकादशी के दिन स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति की फोटो या मंदिर जाएं, सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, आरती करें, वंदना करें। इस दिन दान का बड़ा महत्व है और तिल के दान का अधिक महत्व है। भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराएं, इससे आरोग्यता प्राप्त होती है। अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें, आरती उतारें, निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें, रात्रि में ही जागरण करें, नियम संयम का पालन करें और सत्य बोलें। जो भी धर्म अधिक से अधिक हो पाए उसका पालन करें। यदि आप असमर्थ हैं व्रत करने में तो आप एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें और संयमित रहें तो भी आपको कुछ फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से व्रत करने वाले की सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं, उसका जीवन सुख शांति से भरा रहता है, अंत में वो भगवान के लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।